हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन आ गया है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा वो नोटिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है और पूरा सिलेबस और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है इस जॉब के लिए। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा फेसबुक व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। अगर आप नए हैं, चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, चाहे कोई नई वैकेंसी आए, चाहे मैथ रीजनिंग और जीके की वीडियो हो, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट और फीस के बारे में बता देता हूं कि कब से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं और सारी चीजें। तो दोस्तों, ये एसएससी की जॉब है, ठीक है। इसमें मतलब सीएचएसएल कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम जो होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका जो फॉर्म भरने की डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो आज से ही है, 5/3/2019 से, यानी कि 5 मार्च से, और ये 5 अप्रैल तक भरे जाएंगे, 5/4/2019 तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट आपकी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि पूरा एक मंथ आपको मिल रहा है। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की है 7/4/2019 और ऑफलाइन पेमेंट की है 9/4/2019 तक की, ठीक है। ये आपकी हो गई डेट की बात। अब एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम डेट आपकी 26 जुलाई 2019 तक आपकी ये डेट है, ठीक है। मतलब 26 जुलाई 2019 को आपकी एग्जाम डेट है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। 26 जुलाई 2019 आपकी एग्जाम डेट है। और सेकंड पेपर, अगर आप फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड पेपर की एग्जाम डेट भी यहाँ पे है आपकी, ये है 29/9/2019। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, जो एग्जामिनेशन फ़ीस होगी आपकी, वो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रखा गया है। बाकी एससी एसटी पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जनरल ओबीसी के लिए भी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 100 रुपीज़ है, आप फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब ये है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ़ीस पेमेंट की, तो यहाँ पे ये आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ठीक है। इन तरीके से आप कर सकते हैं पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ऑफलाइन ई चलान से भी आप फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट डेट और ये हो गई फीस के बारे में बात। नेक्स्ट करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 12th पास नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। मस्ट हैव पास 12th इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। आप किसी भी स्ट्रीम से, आपने चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे आपने साइंस साइड से की हो, अगर आपने 12th पास की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज आपकी 18 साल आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए जनरल वालों के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है वो मैं अभी आपको बताऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में, किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो इसमें एलडीसी की, पोस्ट असिस्टेंट, सोर्ट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एज रिलैक्सेशन किस तरीके से मिल रहा है आपको। एज की अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से जो 27 है, ये जनरल वालों के लिए है। और इसमें जो रखा गया है कि आपकी एज बिफोर 2/8/1992, मतलब इससे पहले पहले होनी चाहिए, और लास्ट जो मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/8/2001 के बाद का बॉर्न आपका नहीं होना चाहिए, इससे पहला पहला और इससे सॉरी इसके बाद का और इससे पहला आपका होना चाहिए, ठीक है। इस डेट से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए और इस डेट के बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, इन दोनों डेट के बीच में अगर आपकी एज लाई करती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, तो इसमें देखिए एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, कि 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं 18 से 27 है तो ऊपर आप 5 देख लीजिए, 32 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ओबीसी के लिए देखी जाए तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि ओबीसी वाले 30 साल तक भर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी में आप 10 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में आपको 13 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए आपका 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। बाकी एक्स सर्विस मैन के लिए जितनी उन्होंने मतलब अपनी सर्विस रेंडर की है, उसके 3 ईयर और आपको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, 5 ईयर का है और बहुत सारी हैं, तो आप ये देख सकते हैं अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में से, तो आपको कितनी एज तक रिलैक्सेशन मिलने वाला है।
दोस्तों ये होगी आपकी एज की बात। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल बचता है तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। अब बात की जाए तो यहाँ पे आपकी स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की, किस किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों देखिए, इसमें अगर बात की जाए आपका, सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसको टायर वन हम बोलते हैं, उसका मैं आपको पूरा बताऊँगा फॉर्मेट की, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, उसका पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। फिर अगर आप इसको टायर वन को क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा टायर टू जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जिसको हम टायर थ्री बोलते हैं। अगर आप इन तीनों टायर वन, टायर टू और टायर थ्री को मतलब क्लियर कर लेते हैं तो आपको आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कोई भी टायर क्लियर नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट नहीं कर पाएंगे तो दूसरे में नहीं आएंगे, दूसरा नहीं कर पाएंगे तो तीसरे में नहीं आएंगे, ये सभी को पता है, ठीक है। द कमीशन रिजर्व द राइट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विच वुड बी नोटिफाइड एट सुटेबल टाइम इफ़ कंसाइडर्ड नेसेसरी। अगर कोई नई स्टेज आपकी इंट्रोड्यूस होती है तो वो आपको बता दिया जाएगा, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस यही है कि तीन स्टेजेस में आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो देखिए एग्ज़ाम की यहाँ पे है कि आपके इसमें चार सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें आपका बेसिक नॉलेज इंग्लिश की आएगी, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मैथ आएगा, और जनरल अवेयरनेस आपकी जी के आएगी। इसमें आपका देखिए जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं यहाँ पे बता दिए गए हैं, यानी कि आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 50-50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन दो मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, 25 आपके रीजनिंग के आएंगे 50 मार्क्स के, 25 आपके मैथ के आएंगे 50 मार्क्स के, और 25 आपके जीके के आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। 200 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और आपको 60 मिनट दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहेगा आपका पैटर्न एग्ज़ाम का, ठीक है भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आपके ये सभी चैप्टर आने वाले हैं। अगर आप इस जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है और कुछ भी वो छोड़ के नहीं जाना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, एनालॉगीज हो गया, सिम्बोलिक हो गया, सिम्बोलिक ऑपरेशन हो गया, ठीक है, सिम्बोलिक नंबर, एनालॉगी, ट्रेंड, फिगर, एनालॉगी, मतलब ये सारे के सारे डायग्राम, सिम्बोलिक नंबर, ये सारे के सारे आपके चैप्टर जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात की जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये रे नंबर सिस्टम, वही सारे चैप्टर हैं, और ये सारे चैप्टर अभी मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ, कल से ही कंप्लीट कराऊँगा पूरे के पूरे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियसली तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए पूरे वही चैप्टर हैं सारे के सारे, मुझे कराने हैं, कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। और ये आपके चैप्टर हो गए मैथ के, आप पढ़ सकते हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, और आपका अलजेब्रा हो गया, ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिक में आपका क्या हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, कंपाउंड, सिंपल दोनों, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे चैप्टर आपके मैथ के हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपका इंग्लिश का भी पोर्शन रहेगा, इंग्लिश में भी बेसिक इंग्लिश आने वाली है तो वो भी आप देख लीजिएगा, और जीके का पोर्शन भी आपका मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, ये आपका जीके का पोर्शन शायद यहाँ पे रह गया, तो जीके का मैं आपको बता दूंगा। जीके में वैसे वही आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर यानी कि करंट इवेंट जितने भी होंगे आपके सारे, नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट इवेंट्स आपके पूछे जाते हैं, और बाकी आपका जो पॉलिटी का पोर्शन हो गया, जनरल साइंस में आपका पूरा पोर्शन हो गया, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, इनको पढ़ के जाइएगा। स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट, ये तो थर्ड स्टेज की बात हो गई, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज को